नमस्कार तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपोर्टेट एमसीक्यू क्यू जो आपके जीओ आई टी पेपर के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे इससे पहले हम कुछ सारे डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वीडियोज नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका पहला प्रश्न है एल्गोरिथम एंड हेल्प अस टू देखिए जबकि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है हमें हेल्प करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए किसी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली एंड क्लियरली ऑप्शन डी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वन यू लोड दूटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन दिस फीचर इज नोन एस देखिए जब आप लोड करते हैं किसी सुटेबल प्रोग्राम को और उसे प्रोवाइड कर देते हैं रिक्वायर्ड डेटा उसके बाद कंप्यूटर को नीड नहीं रहती ह्यूमन इंटरवेंशन की तो इस फीचर को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है ऑटोमेटिक ऑप्शन डी से होगा इसका इसके बाद अगला प्रश्न है मशीन लैंग्वेज इज देखिए जबकि मशीन लैंग्वेज है ये मशीन डिपेंडेंट है डिफिकल्ट है प्रोग्राम करने के लिए और एरर प्रोन है तो ऑप्शन डी से होगा इसका ऑल ऑफ अबव इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज देखिए जबकि स्क्रैम्बलिंग है कोड की ये जानी जाती है इंक्रिप्शन के नाम से ऑप्शन ए सही होगा इसके बाद अगला प्रश्न है टू प्रिवेंट दी लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग पावर फेलुअर्स यूज ए एन देखिए अगर आप बचना चाहते हैं लॉस ऑफ डेटा से ड्यूरिंग पावर फेलर तो आप इनमें से किस चीज़ का यूज़ करेंगे आपको यूज़ करना पड़ेगा यू पी एस का जिसकी फुल फॉर्म है आपकी अन इंटरेप्टेबल पावर सप्लाई ऑप्शन डी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बिच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया देखिए जो आपका पहला कंप्यूटर था इंडिया का ये था आपका एच ई सी टू एम ऑप्शन बी सही होगा इसका इसके बाद अगला प्रश्न है हाउ मैनी पार्ट्स आर कंसिस्टेंट कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल देखिए जो आपका कंप्यूटर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को कितने पार्ट में करता है ये करता है आपका चार पार्ट में और ये आपके चार पार्ट हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज ऑप्शन डी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वट इज दशन बिटवीन टच स्क्रीन एंड फिंगर यूज इन स्मार्टफोन

ऑप्शन डी सही होगा देखिए जब रोम है ये कंटेन करती है फ्यू किलो ऑफ कोड जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने पे बताती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द डैश प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल्स इनटू अ स्मॉलर फाइल देखिए जो आपका विन जिप प्रोग्राम है ये कंप्रेस करता है लार्ज फाइल को स्मॉलर फाइल में ऑप्शन ए सही होगा इसके बाद अगला प्रश्न है बट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए जबकि मैक्सिमम लेंथ है फाइल नेम की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है आपकी एड करेक्टर ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वट इज़ बूट स्ट्रैपिंग कोल्ड देखिए जबकि बूट स्ट्रैपिंग है इसे कोल्ड बूट भी कहा जाता है ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वट इज़ देंस रजिस्टर यूज फॉर देखिए जबकि फैंस रजिस्टर है इनका यूज़ किया जाता है फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन तो ऑप्शन सी सही होगा इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दी साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन बिच ऑफ फॉलोइंग देखिए दिखिए साइज है वर्चुअल मेमोरी का ये बेस्ड है एड्रेस बस पे ऑप्शन सी सही होगा इसके बाद अगला प्रश्न है बिच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव दी स्टार्ट बटन देखिए इनमें से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है ये है आपकी विंडो एट ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे इसके बाद आपका अगला प्रश्न है माई कंप्यूटर वॉस इंट्रोड्यूस फ्रॉम कंप्यूटर आइकॉन था ये आपका कौन सी विंडो से स्टार्ट किया गया था ये किया था विंडोज 95 से तो ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद आपका है फुल फॉर्म है ये आपकी वर्ल्ड वाइड वे वो ऑप्शन ए सही होगा इसका इसके बाद अगला प्रश्न है वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज देखिए जब आप वेरिफिकेशन करते हैं लोगी नेम और पासवर्ड की तो इसे जाना जाता है ऑथेंटिकेशन के नाम से ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वी आई ओ एस इज यूज देखिए जब आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये यूज़ किया जाता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑप्शन ए सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोर फोर्स अंडर देखिए इनमें से जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है किसके अंडर आता है तो ये आता है आपका ब्राउजर के अंडर ऑप्शन सी सही होगा इसके बाद अगला प्रश्न है बिच ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम देखिए जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नहीं करता आपका आपका तो सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है। साइज ऑफ नो फील्ड इज ऑलवेज देखिए जो आपका साइज है नो फील्ड या ट्रू फॉल्स फील्ड का ये ऑलवेज रहता है आपका वन बीट के बराबर तो ऑप्शन ए सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वाइल्ड क्रिएटिंग रिलेशनशिप यूजिंग माउस हाउ दी माउस पॉइंटर लुक्स लाइक देखिए जब आप क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप थ्रू माउस तो जो आपका माउस पॉइंटर है वो कैसे दिखता है वो आपका शेप बनाता है एन आउटलाइन रेक्टेंगल की तो ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद अगला प्रश्न है हु अमंग दी फॉलोइंग कैन ब्लॉक दी रनिंग प्रोसेस देखिए इनमें से आपका कौन सी जो है ब्लॉक कर देती है रनिंग प्रोसेस को देखिए अगर आप कोई फोर्क है रीड है और डाउन है ये सभी आपकी रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं तो ऑप्शन डी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है नोट पैड इज़ यूज फॉर देखिए जो आपका नोट पैड है ये आपका सिंपल टेक्स्ट एडिटर है तो ऑप्शन ए सही होगा इसका नोट पैड का यूज किया जाता है टेक्स्ट के लिए तो ऑप्शन ए सही है इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाउ कैन यू डिफाइन अ फील्ड सो दैट वेन एंटरिंग डेटा हैश टैग हैश टैग इज डिस्प्लेड देखिए जब आप उस फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे जब आप डाटा एंटर करते हैं और आपको हैश टैग जैसे सिंबल जो आपको डिस्प्ले हो इसे आप कहते हैं इनपुट मास्क तो ऑप्शन ए सही होगा इसके बाद अगला प्रश्न है राउटर ऑपरेट्स इन बिच लेयर ऑफ ओ एस आई रेफरेंस मॉडल देखिए जो आपका राउटर है ये किस लेयर पे ऑपरेट करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल के तो ये ऑपरेट करता है आपका थर्ड लेयर में जो कि है आपकी नेटवर्क लेयर तो ऑप्शन बी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वट इज मीन ऑफ बूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए जो आपका मीनिंग है बूटिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है आपका रिस्टार्टिंग कंप्यूटर तो ऑप्शन ए सही होगा इसका इसके बाद अगला प्रश्न है दी लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट देखिए आई आईपी एड्रेस है इसका लास्ट एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दी कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इज देखिए आपका कन्वीनियंट प्लेस कौन सा होगा स्टोर करने के लिए कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन को जिसे आप क्विकली रिट्राइव कर सके ये होगा आपका एड्रेस बुक तो ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज देखिए जब आप मूव करते हैं वन वेबसाइट से और दूसरी वेबसाइट पे तो इसे कहा जाता है ब्राउजिंग तो ऑप्शन बी सही होगा इसका इसके बाद अगला प्रश्न है इन एमएस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज देखिए जो कि दुकान वर्ड में मेलिंग लिस्ट है ये आपके डेटा सोर्स के नाम से भी जानी जाती है ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वेयर वेयरडज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विद इन कंप्यूटर मेमरी हेरारकी देखिए आपका जो मोस्ट ऑफ द डेटा है कंप्यूटर का वो पहले कहाँ पे जाता है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर मेमोरी हेरारकी के तो वो जाता है सबसे पहले रैम में ऑप्शन ए सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट देखिए जो आपके कुकीज हैं इनका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर को हु रिटर्न वेबसाइट तो ऑप्शन ए सही होगा इसका इसके बाद अगला प्रश्न है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द दाउस टेक्निक टू यूज इज देखिए जब को एक्सेस करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो आप माउस में राइट right क्लिकिंग करेंगे तो ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यह है आपका प्रोसेस कंट्रोलर तो ऑप्शन डी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है तो ऑप्शन बी सही होगा इसके बाद अगला प्रश्न है फॉर्मवेयर मीन्स देखिए फॉर्मवेयर का मीनिंग है आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन हार्डवेयर तो ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाउ मैनी सिंगल वर्स स्ट्रक्चर विल कम्युनिकेट एट ए टाइम देखिए टू यूनिट्स हैं सिंगल बस स्ट्रक्चर में ये कम्युनिकेट करते हैं एट ए टाइम तो ऑप्शन बी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क देखिए जबकि फायरवॉल है कंप्यूटर नेटवर्क में ये आपका सिस्टम है जो डिजाइन किया जाता है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस तो ऑप्शन सी सही होगा इसका इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क देखिए आपका वेंड बिथ का मीनिंग है आपका ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल्स तो ऑप्शन ए सही होगा इसका तो यह आंती अंत इस वीडियो का अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगली वीडियो में हम एक और सेट डिस्कस करेंगे तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल डू वर्क हार्ड बर ब्लेस यू ऑल